हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं वैशर। सो गाइस, रिचेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड इन 2024, इंडिया इज ऑन टॉप। तो भाई साहब, नो डाउट, अब इसमें इंडियंस कितने हैं आज हम देखने लगे हैं। टॉप 50 रिचेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के 50 अमीर तरीन, कितने पाकिस्तानी हैं इसके अंदर, कितने इंडियंस हैं। मुझे पता है लिस्ट भरी पड़ी होगी इंडियंस से, लेकिन कुछ ऐसे फॉरेनर प्लेयर भी हैं जिन्होंने इंडिया से इतना पैसा छापा कि वो भी आईपीएल से छाप छाप के अरबपति बन चुके हैं। तो वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान के भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, अगर आईपीएल खेलते तो और भी पाकिस्तान के ज्यादा लोग होते हो, लेकिन अभी देखते हैं पाकिस्तान के कितने, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड, मजा आएगा। इंडिया, और इंडिया तो डोमिनेट करने लगा है, पहले से हम बता दें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। तो भाई रेडी है, काउंट ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। हरभजन सिंह भाई 67 करोड़, हाँ। जिनके रेहाने 68 करोड़, संजू सैमसन 72 करोड़, रॉन फिंच ये भी इंडिया से कमा के आईपीएल से गया, हाँ। रवि शास्त्री 81 करोड़, ये कमेंट्री वगैरह करके 81 करोड़ ले लिया, हाँ। ऋषभ पंत केला के 1.5 साल ऑफ रहे हैं, 2 साल 2 करोड़, हाँ। ब्रैडली 87 करोड़, ब्रैडली ये भी इंडिया से खुला कमा के गया, अभी भी कमेंट्री करता है, हाँ। हार्दिक पांडे इसके ज्यादा मुझे लगा, नहीं मुझे हार्दिक पांडे की ज्यादा लग रही है। केन विलियमसन, केन मामा अभी भी आईपीएल खेलता है, 90 करोड़, हार्दिक पांडे की मुझे ज्यादा लग रही है। अनिल कुंबले 91 करोड़, ये सारे आईपीएल में खेल चुके हैं जो इंग्लिश प्लेयर आ रहे हैं। दिनेश कार्तिक 92 करोड़, केएल राहुल के भाई 95 करोड़, जॉर्ज बटलर आईपीएल प्लेयर 96, और रॉबिन उतापा भाई जितना पैसा इन्होंने 16 करोड़ रुपए एक एक आईपीएल का दिया इन लोगों ने। बेन स्टोक्स 101 करोड़, रसल तो खेला ही आईपीएल है, रसल अपने टीम के लिए कम और आईपीएल में ज्यादा खेला। मैक्सवेल 106 करोड़, जडेजा 110 करोड़, सुनील नारायण अभी भी उभरता हुआ सितारा भारत के आईपीएल का, डेविड मिलर 116 करोड़, मतलब डेल स्टेन 120 करोड़, शुरू पे इसने बहुत खेला है भाई यार, बहुत मस्त। धवन 122 करोड़, ईशांत शर्मा इतना पैसा है इसके पास, क्यों अभी भी खेल रहा है, अभी भी आईपीएल खेल रहा है, दिल्ली के लिए खेल रहा है। अश्विन तो बिल्कुल यार डिजर्व करता है, पोलार्ड अभी भी मुंबई में, हां मेंडोर है 144 करोड़, गौतम गंभीर 1 साल सिर्फ नहीं खेला जो युवा ना 8 साल खेलता रहा, गंभीर आ गया, गौतम गंभीर की फिर भी ज्यादा यार नेटवर्क यार, पाकिस्तानी तो है ही नहीं इसमें। ब्रावो ये भी आईपीएल से अमीर हुए, ये सारे आईपीएल से अमीर हुए हैं, और ये इंडियन रुपीस, हां ये इंडियन INR है, 153 करोड़, डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क को एक बारी में 25 करोड़, 25 करोड़ मिले, 158 करोड़, स्टीव स्मिथ 166 करोड़, एबी डिविलियर 173 करोड़, यूसुफ पठान 175 करोड़, राहुल ड्रेविड 175 करोड़, राहुल ड्रेविड 191 करोड़, सुरेश रैना 200 करोड़, इनकी नेट वर्थ में अभी इजाफा हो जाएगा, 215 करोड़, और खेला भी बहुत है। गावस्कर सर ये भी कर रहे हैं कमेंट्री वगैरह भी, यार ये बहुत, वाटसन बहुत खेला है 266 करोड़, सर युवराज सिंह, कमिंस भूरी आंख इसको 22 करोड़ इस बार दिया, 22.5 करोड़ आईपीएल से, सहवाग सर 332 करोड़, यार गेल 375 करोड़, ब्रेन लारा 475 करोड़, देखिए पॉइंट 480 करोड़, ये अभी भी मुंबई इंडियन का नहीं, दिल्ली कैपिटल का, हाँ 634 करोड़, गंगोली सर, विराट कोहली 1020 करोड़, धोनी सर 1040 करोड़, विराट कोहली
और पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर 1250 करोड़। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। एक दो ऐसे एक पाकिस्तानी नहीं था यार, एक पाकिस्तानी जो होता है ना लिस्ट के अंदर, यार कौन मेरे साथ अगर डिबेट करना चाहता है कर लो, ये आईपीएल से इतनों ने इतना पैसा कमाया, आपके सामने है यार, और क्यों नहीं है, ये आईपीएल के बड़े नाम है जो आईपीएल में हम छोटे होते से देखते आए हैं यार, जो इंडियन क्रिकेटर हैं देखो उन्होंने आईपीएल से भी कमाया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी दिया और ठीक ठाक पैसा दिया, वो तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा सैलरी भी दी है और सबसे ज्यादा इस लिस्ट के अंदर थे इंडियंस थे, और बाकी वो रोहित शर्मा में हैरान हूँ कि थोड़ा कम है, उनको तो और ज्यादा होना चाहिए भाई, रोहित शर्मा शायद लगा देते हो खाने पीने में और चीजों पे यार, मतलब तो सब है भाई, मतलब आप और मतलब यार बस अपना अपना रीजन होता है शायद वहाँ, वैसे रोहित शर्मा सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं है, वो इतना एक्टिव नहीं रहते तो जाहिर बात है, और वो इतना ज्यादा वो भाई एड वगैरह भी नहीं करते, गाइस कौन कौन मानता है आईपीएल में आधे से ज्यादा इनकी पैसे में आईपीएल का हाथ है यार, इस टाइम अगर जो कमा रहे हैं ना ऑस्ट्रेलियन स्पेशली रिटायर्ड हो चुके हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं, आईपीएल में कुछ खेल रहे हैं, कुछ रिटायर्ड जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज ही बहुत खेल रहे हैं भारत में यार, वेस्ट इंडीज में तो मैं रसल का बताता हूँ, मैं तो मैं और खिलाड़ियों को बताता हूँ, इन लोगों ने ये तुम उठाकर चेक कर लो, इन्होंने अपनी टीम से ज्यादा आईपीएल में आईपीएल में खेला भाई, ब्रावो को देख लो, इनका फटा चला था ना वेस्ट इंडीज की क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो ये इन्होंने उससे ज्यादा आईपीएल में खेला, पाकिस्तान का एक भी लिस्ट में नहीं था भाई, मेरे लिए शॉकिंग था सच में, मैं समझ रहा था एक आध होगा, लेकिन यार अफरीदी अफरीदी है यार, मैं वही कह रहा हूँ अफरीदी था शायद भाई, उसके पास बड़ी भाई है अफरीदी भाई, क्या पता क्यों नहीं है, जो हरभजन सिंह था ना उसके पास मेरे ख्याल में 70-72 करोड़ और वो पाकिस्तान में कन्वर्ट करो वो 200 करोड़ से ऊपर बनता है, तो भाई अफरीदी कैसे होगा, सही 200 करोड़ तो नहीं है ना उसके पास, नहीं है ये बात, मतलब है अमीर है 100 करोड़ होगा, 150 करोड़ मतलब पाकिस्तान ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, अभी तो नहीं होगा ना भाई, ये बात सच बोली है, सच बोली है, अगर आईपीएल पाकिस्तानी खेलते कसम से इस लिस्ट के अंदर काफी सारे आपको पाकिस्तानी देखने को मिलते, वाकई वाकई में वाकई, और लेकिन नहीं देती है $1,00,000 बाबर आजम को मिलता है, वो भी एक बार पाकिस्तानी 2-4 करोड़ रुपया मिल रहा है, 2-4 करोड़ रुपया पाकिस्तानी और इंडियन 80-90 लाख रुपए इनको मिलता है, 80 लाख रुपया उस पर क्या इनको होता है, और आईपीएल एक एक भूरी आंख को मिले 22.5 करोड़, 25 करोड़ स्टार को मिल रहा है, पॉन्टिंग लोग अपने टाइम पे 16-16, 20-20 करोड़ कमा चुके हैं, ले चुके यार है। असल में तुम्हें एक बात बताऊं, जिस तरीके ये इसमें वाकई कोई शक नहीं है, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते तो अगर बहुत कम से कम भी लगाओ ना 5-6 करोड़ तो हर प्लेयर को मिलता, कसम से बहुत बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तान और जो का। अच्छा प्लेयर परफॉर्म करने वाला वो 10 करोड़ भी मिलता, लेकिन अपनी पीएसएल जो PSL क्या उसकी वजह से आईपीएल में नहीं जा रहे, समझ गया ना, अबे रखता नहीं है इंडिया उसकी वजह से, हाँ ये तो है, ये तो है, इंडिया रखता नहीं है, ये तो है भाई, इंडिया रखता नहीं है, ये बात तो सच है, ये तो आपका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।